बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ के साथ मैं हूं कल्सूम हबीब। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में वो है पानी का मसला। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूँ अपने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, खास तौर तकरीबन 80 से 90 लाख बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी। अगर आप सारे ये सोच रहे हैं कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें $1000, तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा, हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका पैसा है, मैं हिफाजत करूँगा ये सारा पैसा। खुशहाली को खुशहाली में बदलें का आजम, पानी सबसे बड़ा मसला है। डैम बनाना नागुजीर हो गया, वज़ीरे आज़म की बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से फंड्स देने की अपील। पैगाम में कहा हर पाकिस्तानी $1000 दे तो कर्ज लिए बगैर डैम बन जाएगा, पैसे की हिफाजत मैं खुद करूंगा। कप्तान की काल पर दुनिया भर में खिलाड़ियों का लबैक। खुर्रम शेर जमान और फरूख अबेद समेत तहरीक इंसाफ के कई अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात ने डैम फंड में तनख्वाहें और एहतियात जमा कराने का ऐलान कर दिया। मलक रियाज 5 करोड़ रुपए देंगे। चीनी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। वजारत खारजा में हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से 1-on-1 मुलाकात। चीनी वफद आज वजीर आजम इमरान खान और सिपा सरार आर्मी चीफ से मुलाकात मुतवक्के। वजीर आजम इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान पहुंच गए। तालीमी मसरूफियात के बायस वालिद की हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक ना हो सके थे। सदर ममनून हुसैन आज ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। इवाने सदर के अमले से विदाई मुलाकात। नौ मुंतखब सदर आरिफ अलवी कल कुर्सी संभालेंगे। सीडीए का इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ब्रेकडाउन। कश्मीर हाईवे को क्लियर कराने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात पर समाअत करेंगे। पुलिस नैब और एलडीए समेत मुख्तलिफ केसेस सुनेंगे। कराची में सब जेल पर चीफ जस्टिस का छापा। शहर थी या शराब की बोतल। शर्जील में अमल ने मामला जाती करार दे दिया, कहा पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया, कहा मेडिकल हो चुका है, इंक्वायरी चल रही है, मामला अदालत में है। पुलिस ने करप्शन केस में अदालत पेश कर दिया। हाफिजाबाद में पसंद की शादी पर बेटी दामाद और दो नवासे कत्ल। खातून ने 4 साल कबल शादी की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर दिया। लोहर बाजार मरी में बोसीदा प्लाजे का एक हिस्सा गिर गया, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.live47news.com। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी।